अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू साकी फिज़िक्स एकेडमी। आज हम डिस्कस करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी डेफिनेशन को हम देखेंगे, जिसमें वो कहते हैं ऑल एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन एन एक्सप्रेशन, किसी भी एक्सप्रेशन में तमाम दुरुस्त मलूम इनसे और इनका पहला मशकूक हिस्सा सिग्निफिकेंट फिगर्स या एम इनसे कहलाते हैं। यानी किसी भी मकदार में दुरुस्त मलूम इनसे और पहला मशकूक हिस्सा एम इनसे कहलाते हैं। अगर हम इसके रूल्स की बात करें कि सिग्निफिकेंट फिगर्स में कौन कौन से रूल्स इस्तेमाल होते हैं, कौन कौन से असूल इस्तेमाल किए जाते हैं, तो फर्स्ट रूल जिसमें वो कहता है ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स, यानी तमाम के तमाम नॉन ज़ीरो डिजिट्स सिग्निफिकेंट होते हैं। जैसे हमारे पास 2, 3, 4, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 हैं, यानी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स इसमें हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, 4। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसके बाद हमारे पास है सेकंड पॉइंट, जिसमें वो कहता है ज़ीरो बिटवीन नॉन ज़ीरो डिजिट। अगर ज़ीरो दरमियान में हो किनके नॉन ज़ीरो डिजिट के, तो वो ज़ीरो भी सिग्निफिकेंट होती है। जैसे अब हमारे पास है 202, तो यहाँ पर 2 भी नॉन ज़ीरो है और एंड वाला 2 भी, और इसके दरमियान में ज़ीरो लगी है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद कितनी है, 3। अगर हम इसकी बात करें तो इसमें भी 0 दो नॉन ज़ीरो डिजिट्स के दरमियान है, तो इसमें भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 3 है। अगर हम इसकी बात करें तो ये भी 0, 3 दो नॉन ज़ीरो डिजिट के दरमियान है, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 5 है। इसके बाद हमारे पास है पॉइंट नंबर 3, जिसमें वो कहता है इनिशियल ज़ीरो, यानी स्टार्ट वाली या लीडिंग ज़ीरो शुरू वाली नेवर सिग्निफिकेंट, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, यानी वो एम नहीं होती। जैसे अब ये 0.00, तो ये 3 ज़ीरो एम नहीं है, और उसके अलावा 8, 7, 6 ये तीनों डिजिट सिग्निफिकेंट हैं, तो इसमें सिग्निफिकेंट नंबर्स की तादाद 3 है। अगर हम सेकंड एग्जांपल को डिस्कस करें तो इसमें ये फर्स्ट वाली 20 इम्पोर्टेंट नहीं है, सिग्निफिकेंट नहीं है, सिर्फ ओनली 1 सिग्निफिकेंट है, तो डिजिट ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स ओनली 1 है। तो ये कभी अक्सर मल्टीपल चॉइस भी आ जाता है, ये वाला भी और ये वाला भी, कि इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है। इसके बाद अब हमारे पास है फोर्थ वाला, जिसमें वो कहता है एंडिंग ज़ीरो, यानी अगर एंड पर आएगी ज़ीरो आर सिग्निफिकेंट इफ़ आफ्टर या इफ़ अपीयर आफ्टर डेसिमल, जो डेसिमल के बाद अपीयर होती है वो सिग्निफिकेंट होती है। जैसे अब हमारे पास 210.0, यानी 210 में ये एंड वाली ज़ीरो जो पॉइंट के बाद है, ये भी सिग्निफिकेंट है, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 4 हैं। इसके बाद अगर हम 89.00 की बात करें, तो ये एंड वाली दोनों ज़ीरो सिग्निफिकेंट हैं, तो यहाँ पर भी सिग्निफिकेंट फिगर्स की तादाद 4 होगी। यानी इनिशियल जो होती हैं वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, यानी 0.003, तो इसमें ये फर्स्ट वाली तीनों सिग्निफिकेंट नहीं है। लेकिन अगर हम इसको लिखते 3.00, तो ये लास्ट वाली 2 भी सिग्निफिकेंट होती, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 होंगे। इसके बाद हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है, जिसमें वो कहता है ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड, यानी किसी भी मैग्नीट्यूड का ऑर्डर नेवर सिग्निफिकेंट, वो इम्पोर्टेंट नहीं होता। जैसे उसने हमें एग्जाम्पल में दी है 3.34 मल्टीप्लाई 10^-34, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, ओनली ये नंबर काउंट किए जाते हैं जिसमें 1, 2, 3, तो इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स 3 है। अगर हम एक और एग्जांपल डिस्कस करें जिसमें 3 मल्टीप्लाई 10^8
मीटर पर सेकंड है, तो इसमें ये 10^8 सिग्निफिकेंट नहीं है और ये 3 सिग्निफिकेंट है, तो नंबर ऑफ डिजिट इसमें से या सिग्निफिकेंट नंबर कितने हैं, ओनली 1 है। इसके बाद हमारे पास है सिग्निफिकेंट फिगर से रिलेटेड MCQs के, MCQs पेपर में किस तरह से इसके बारे में पूछे जाएंगे। तो जो फर्स्ट हमारे पास MCQs है, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन एन एक्सप्रेशन, यानी किसी भी एक्सप्रेशन में सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, ऑल द डिजिट्स, तमाम के तमाम डिजिट्स, यानी फर्स्ट वाला, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट्स, नहीं, ऑल द एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट, ये हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, एक्यूरेटली नॉन डिजिट एंड फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इज नॉन एज ए सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो सी ऑप्शन हमारे पास इसका करेक्ट है। उसके बाद अगर हम बात करें सेकंड क्वेश्चन की, जिसमें वो कहता है 0 यूज्ड फॉर स्पेसिंग द डेसिमल पॉइंट, जो 0 स्पेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं वो होती हैं, नंबर ए सिग्निफिकेंट, नंबर बी नॉन सिग्निफिकेंट, नंबर सी क्रॉस्ड फिगर, नंबर डी एस्टिमेटेड फिगर्स। तो हमने बात की जो पॉइंट से पहले, यानी 0.007, तो ये फर्स्ट वाली ज़ीरो सिर्फ स्पेस को फिल करने के लिए इस्तेमाल होती हैं, तो ये सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो जो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। इसके बाद हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें वो कहता है दे फाइनल ज़ीरो आफ्टर द डेसिमल, डेसिमल के बाद जो फाइनल ज़ीरो होती हैं क्या वो सिग्निफिकेंट होती हैं या नहीं, ए नॉन सिग्निफिकेंट, बी सिग्निफिकेंट फिगर्स, सी वर्थलेस और डी नन ऑफ द अबव। तो हमने बात की यानी 2.100, तो जो पॉइंट के बाद आफ्टर पे आती हैं, फाइनल पे आती हैं ज़ीरो, वो भी सिग्निफिकेंट है होती हैं, तो हमारे पास जो करेक्ट आंसर इसका है वो बी है। इसके बाद हमारे पास है फोर्थ वाला क्वेश्चन, जिसमें वो कहते हैं द सिग्निफिकेंट डिजिट्स इन, इसमें सिग्निफिकेंट डिजिट की तादाद कितनी है, तो हमें मालूम होना चाहिए जो हमने अभी बात की कि जो स्पेसिंग के लिए इस्तेमाल होती हैं ज़ीरो, वो इम्पोर्टेंट नहीं होती, सिग्निफिकेंट नहीं होती। तो यहाँ पर 5-8 में ओनली 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं, तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो है बीजूज, यानी 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं इसमें। इसके बाद हमारे पास है फिफ्थ वाला, नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर ऑलवेज, हमने पढ़ा फर्स्ट पॉइंट पढ़ा था नॉन ज़ीरो डिजिट आर ऑलवेज सिग्निफिकेंट, तो इसमें 4 ऑप्शन उसने हमें दिए हैं, नॉन सिग्निफिकेंट, सिग्निफिकेंट, वर्थलेस या नन ऑफ द अबव, तो ऑल नॉन ज़ीरो डिजिट्स आर हैं सिग्निफिकेंट, यानी बी ऑप्शन हमारे पास है करेक्ट है। इसके बाद लास्ट हमारे पास MCQs है, जिसमें वो कहता है सिग्निफिकेंट फिगर्स इज, तो इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद कितनी है यह हमने बतानी है, तो वो कहता है ए में 2, 0, 1, 4, तो इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर है, यानी 1 और 0, और इससे पहले ये जो पॉइंट है ये सिग्निफिकेंट नहीं होता, पॉइंट से बाद में जो ज़ीरो आती हैं, इनिशियल ज़ीरो होती हैं, वो सिग्निफिकेंट नहीं होती, तो जो हमारे पास करेक्ट आंसर है वो ए ऑप्शन है कि इसमें सिग्निफिकेंट फिगर की तादाद 2 है। इसके बाद सेल्फ टेस्ट में कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स इन फॉलोइंग नंबर, तो इन नंबर्स में आपने ये बताना है कि सिग्निफिकेंट फिगर्स कितने हैं और इनका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिल सके।